यदि आपके पास एक ट्रिगरिंग टाइमर है और आप चाहते हैं इस टाइमर को एक पुश बटन के जरिए ट्रिगर किया जाए, दैट मीन्स जब पुश बटन को प्रेस किया जाए तभी आपके टाइमर के टाइम ने स्टार्ट होना चाहिए। यदि इस ट्रिगरिंग टाइमर को आप एक लिमिट स्विच के जरिए ट्रिगर करना चाहते हैं, दैट मीन्स जब लिमिट स्विच को प्रेस किया जाए तभी आपके टाइमर ने स्टार्ट होना चाहिए। इसी तरह से यदि एक सेंसर के जरिए आप टाइमर को ट्रिगर करना चाहते हैं, तो सेंसर के जरिए भी आप टाइमर को ट्रिगर कर सकते हैं। जैसे ही आपका सेंसर ऑपरेट होगा तभी आपके टाइमर के टाइम स्टार्ट होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले नॉर्मल टाइमर और ट्रिगरिंग टाइमर में क्या डिफरेंस होता है समझ लेते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक नॉर्मल ऑन डिले टाइमर है। इस टाइमर को ऑपरेट होने के लिए इसकी कॉइल में हमें A1 और A2 में 220 वोल्ट सप्लाई देना होगी। जैसे ही 220 वोल्ट सप्लाई इसकी कॉइल में हम कनेक्ट करते हैं, हमारा यह नॉर्मल टाइमर ऑपरेट हो जाता है। बट ये जो हमारे पास ट्रिगरिंग टाइमर है, इस ट्रिगरिंग टाइमर में यदि हम A1 और A2 में सप्लाई कनेक्ट भी करते हैं तब भी हमारा यह टाइमर ऑपरेट नहीं होगा। देखिए, इस टाइमर को ऑपरेट होने के लिए जो कॉइल में सप्लाई आई है उसे ही हमें ट्रिगरिंग पॉइंट में कनेक्ट करना होगी, तभी हमारा यह टाइमर ऑपरेट होगा। ऐसे कई एप्लीकेशन होती है जहां पर हमें टाइमर को ट्रिगर करके स्टार्ट करना होता है, तो वहां पर हमें ट्रिगरिंग टाइमर को कनेक्ट करना होता है। देखिए, हमारे पास यहां पर एक टेंस कंपनी का ट्रिगरिंग टाइमर है। सबसे पहले इस टाइमर का बेसिक इन्फॉर्मेशन हम ले लेते हैं। टाइमर में आपको ऊपर की तरफ कुछ टर्मिनल्स दिए गए हैं। A1 इसकी कॉइल का पॉइंट है और TR ट्रिगरिंग पॉइंट है। किस तरह से कनेक्शन होगा वह भी हम समझेंगे। हमारे पास यह जो टाइमर है इसे आप ऑन डिले के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और ऑफ डिले के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जिस भी एप्लीकेशन के लिए आपको इस टाइमर को कनेक्ट करना है आप कर सकते हैं। यदि आपको ऑन डिले पर रखना है तो नॉब को ऑन डिले की रेंज में रहने दीजिए। देखिए, इस तरह से जो भी टाइमिंग रेंज आपको रखना है आप रख सकते हैं। यदि आपको इस टाइमर को ऑफ डिले टाइमिंग रेंज में सेट करना है तो आप इसकी जो रेंज है उसे ऑफ डिले पर सेट कर दीजिए, जिससे अब आपका जो टाइमर है वो ऑफ डिले के अकॉर्डिंग ऑपरेट होगा। जो भी आपको टाइमिंग सेट करना है इस तीन ऑफ के जरिए आप टाइम वहां पर सेट कर सकते हैं। चलिए, यदि हम टर्मिनल्स की बात करते हैं तो यदि आप इस टाइमर को 220 वोल्ट सप्लाई पर ऑपरेट करते हैं तो A1 और A2 में आपको फेज और न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है। देखिए, 220 वोल्ट से ऑपरेट कर रहे हैं तो A1 और A2 में आपको फेज और न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है। यदि आप 24 वोल्ट DC या फिर AC से ऑपरेट कर रहे हैं इस टाइमर को आप 24 वोल्ट सप्लाई से भी ऑपरेट कर सकते हैं। यदि आप 24 वोल्ट DC से ऑपरेट कर रहे हैं तो फिर आपको A3 में पॉजिटिव कनेक्ट करना होगा और A2 में आपको नेगेटिव कनेक्ट करना होगा, क्योंकि इस टाइमर को हम सेंसर से भी ऑपरेट कर रहे हैं। इसके लिए हमें वहाँ पर 24 वोल्ट DC की कंट्रोलिंग करना होगी। तो आप कनेक्शन को केयरफुली वॉच कीजिए, किस तरह से AC पावर सप्लाई के लिए हमें टाइमर का कनेक्शन करना होगा, किस तरह DC पावर सप्लाई के लिए हमें टाइमर का कनेक्शन करना होगा। पहले आप टर्मिनल को ज़रूर आइडेंटिफाई कर लीजिए। देखिए, इस टाइमर में आपको ट्रिगरिंग के लिए भी आप 24 वोल्ट DC से भी ट्रिगरिंग कर सकते हैं और 220 वोल्ट AC से भी ट्रिगरिंग कर सकते हैं। यदि इस टाइमर में हम कंट्रोल टर्मिनल्स की बात करें तो 2 नंबर जो पॉइंट है वह कॉमन पॉइंट है। 2 के साथ 1 नंबर पॉइंट NC में दिया गया है। देखिए, 2 और 1 NC है। 2 के साथ जो 3 पॉइंट है वह NO पॉइंट है। चलिए, अभी किस तरह से कंप्लीट कनेक्शन होगा, किस तरह से वर्किंग होगी हम समझ लेते हैं। यदि आप AC पावर सप्लाई से कंट्रोलिंग कर रहे हैं तो A1 और A2 टर्मिनल का यूज़ करना है। यदि आप 24 वोल्ट DC या AC सप्लाई से कंट्रोलिंग कर रहे हैं तो A3 और A2 का आपको यूज़ करना होगा। सबसे पहले हम इस पुश बटन के जरिए यदि आपको ट्रिगरिंग करना है तो किस तरह से कर सकते हैं समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो आपके पास पावर सप्लाई आई है न्यूट्रल का कनेक्शन आपको A2 में कर देना है। देखिए, टाइमर के A2 में न्यूट्रल डायरेक्ट आ चुका है। जो फेज रहेगा उसे आपको सिलेक्टर स्विच के जरिए देना है ताकि आप टाइमर को इस सिलेक्टर स्विच के जरिए नॉर्मल स्टार्ट कर सकें। तो यहाँ पर हम एक सिलेक्टर लगा रहे हैं। जब इस सिलेक्टर को ऑन किया जाएगा तो टाइमर में हमारी सप्लाई जाएगी। तो जस्ट आप डायरेक्ट MCB से भी स्टार्ट कर सकते थे, बट यहाँ पर हमने एक सिलेक्टर लगाया है। जब सिलेक्टर को ऑन किया जाएगा तभी पावर सप्लाई टाइमर में आएगी। देखिए, अब यहाँ पर लोड के लिए हम एक बल्ब को कनेक्ट कर रहे हैं।
देखिए बल्ब का जो कनेक्शन करना होगा समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो बल्ब है 220 वोल्ट सप्लाई का है, तो फेज वायर हमने टाइमर के कॉमन टर्मिनल पर लगाया है। जैसे ही हमारे टाइमर का टाइमिंग स्टार्ट होगा तो इसका हम एनसी पॉइंट यूज कर रहे हैं। 3 नंबर जो पॉइंट है वह एनसी पॉइंट है, ठीक है। 2 और 3 का यूज किया है, जस्ट सिंपल कंट्रोल वायरिंग है। यदि हम टाइमर को ऑन डिले पर सेट करना चाहते हैं तो देखिए ऑन डिले की रेंज में इसे सेट कर दिया है और 10 सेकंड की रेंज में यहां पर सेट कर दिया है। देखिए एमसीबी को ऑन किया, जैसे ही सिलेक्टर को ऑन किया टाइमर में सप्लाई तो आ चुकी है बट टाइमर हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि टाइमर स्टार्ट कब होगा, जब टाइमर को ट्रिगर किया जाएगा। अब देखिए ट्रिगर करने के लिए हमें करना क्या होगा, A1 से जो आपकी कॉइल की सप्लाई है उसी को आपको ट्रिगर में कनेक्ट करना होगा। ट्रिगरिंग करने के लिए सबसे पहले हम एक पुश बटन का यूज कर रहे हैं। देखिए पुश बटन में अभी हम 2 कनेक्टर देखिए यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है और NO एलिमेंट हमने कनेक्ट किया है। सबसे पहले देखिए पावर सप्लाई को ऑफ कर दिया है, यहाँ से पुश बटन के एक कनेक्टर को कॉइल में कनेक्ट कर दिया है। पुश बटन को जैसे ही प्रेस किया जाएगा तो कॉइल की जो सप्लाई है वो ट्रिगर में आ जाएगी। देखिए ट्रिगर पर कनेक्ट कर दिया, अभी सिलेक्टर को हमने ऑन कर रखा है। जैसे ही एमसीबी को ऑन किया टाइमर का टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है। टाइमर का टाइम स्टार्ट कब होगा, जब उसे ट्रिगरिंग मिलेगी। तो ट्रिगरिंग के लिए जैसे ही पुश बटन को प्रेस किया टाइमर यहां पर स्टार्ट हो चुका है, टाइमर का टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है। एक बार फिर से देखते हैं, देखिए मेन पावर सप्लाई को ऑन किया, टाइमर स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही ट्रिगर हम करते हैं टाइमर का टाइमिंग वहां पर स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप एक ट्रिगरिंग टाइमर को पुश बटन के जरिए ट्रिगर कर सकते हैं। जब पुश बटन को प्रेस किया जाएगा टाइमर को ट्रिगर होगा तभी आपका टाइमर वहां पर रन करेगा। चलिए अब हम यदि आप वहां पर एक लिमिट स्विच का यूज करना चाहते हैं तो लिमिट स्विच को किस तरह से ट्रिगर के लिए यूज किया जा सकता है समझ लेते हैं। देखिए आपके पास जो लिमिट स्विच होता है उसमें एक एनसी पॉइंट होता है और एक एनओ पॉइंट होता है। देखिए ये इसका एनओ पॉइंट है 13 और 14 नंबर पॉइंट, तो आपको इसके एनओ का यूज करना है। देखिए हमने एनओ में 2 वायर्स ऑलरेडी कनेक्ट कर लिए हैं। देखिए अब हमें करना क्या होगा, ये जो 2 वायर है यहाँ पर इसे कॉइल और ट्रिगर में कनेक्ट कर देना है। दैट मीन्स जब लिमिट स्विच ऑपरेट होगा तभी ट्रिगर में सप्लाई जाएगी। सबसे पहले पुश बटन का कनेक्शन हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। चलिए रिमूव कर दिया है, अभी हमें यहाँ पर लिमिट स्विच लगाना है। तो लिमिट स्विच का एक वायर जो कॉमन का पॉइंट है उसे हमने A1 पर कनेक्ट कर दिया है और ट्रिगर का जो पॉइंट है वहां पर हमने लिमिट स्विच का आउटपुट कनेक्ट कर दिया है। चलिए एक बार देख लेते, देखिए एमसीबी को ऑन किया, सिलेक्टर को अभी हमने ऑन किया, टाइमर में सप्लाई तो आ चुकी है बट टाइमर स्टार्ट नहीं हुआ। जैसे ही लिमिट स्विच ऑपरेट होगा हमारा टाइमर वहां पर स्टार्ट हो जाएगा। देखिए हमारा लोड भी रन हो चुका है। एक बार फिर से देखते हैं, सिलेक्टर को ऑफ किया, पावर सप्लाई ऑफ हो चुकी है। पावर सप्लाई को ऑन करने के लिए सिलेक्टर को ऑन किया, टाइमर का टाइम स्टार्ट करने के लिए जैसे ही लिमिट स्विच ऑपरेट होगा तभी हमारा टाइमर का टाइमिंग स्टार्ट होगा और जो भी लोड को हम कंट्रोल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा लोड वहां पर कंट्रोल होगा। देखिए ट्रिगर करने के लिए अभी हमने लिमिट स्विच का यूज़ किया है, अभी हमने पुश बटन से भी सीखा किस तरह से किया जाता है। यदि आप वहां पर एक सेंसर लगाना चाहते हैं दैट मीन्स जब सेंसर ऑपरेट हो तभी आपके टाइमर के टाइमिंग ने स्टार्ट होना चाहिए, तो इसके लिए किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर जो लिमिट स्विच का कनेक्शन किया है कनेक्शन को रिमूव कर लेना है। अब देखिए हमारे पास जो सेंसर होता है वो 24 वोल्ट डीसी पर ऑपरेट होता है, तो इसके लिए हमें टाइमर में डीसी सप्लाई का यूज़ करना होगा 24 वोल्ट डीसी, जिसके लिए हम यहाँ पर एक SMPS लगा रहे हैं। SMPS से हमें 24 वोल्ट डीसी मिलेगा। 220 वोल्ट सप्लाई को हमने SMPS के इनपुट पर लगा दिया है, SMPS के आउटपुट से हमें 24 वोल्ट डीसी मिलेगा। सबसे पहले जो पॉजिटिव वायर है उसे सिलेक्टर में लगा दिया है ताकि सिलेक्टर से हम स्टार्ट स्टॉप कर सकें। अब देखिए होगा क्या, जैसे ही सिलेक्टर को ऑन किया जाएगा तो जो A3 पॉइंट है, फिर से एक बार, जो A3 पॉइंट है वहां पर पॉजिटिव आएगा क्योंकि 24 वोल्ट डीसी है, और जो 0 वोल्ट है वह डायरेक्ट A2 में कनेक्ट किया जाएगा। आप सप्लाई के टर्मिनल का ज़रूर ध्यान रखिए, यदि आप गलत कनेक्शन कर देते हैं तो आपका टाइमर वहां पर जल सकता है। चलिए यहां पर हमने A2 में जो 0 वोल्ट है उसे डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। अभी सेंसर में देखिए जो रेड वायर होता है वह पॉजिटिव वायर होता है, फिर से एक बार, जो रेड वायर होता है यह पॉजिटिव, इसमें हमें पॉजिटिव वायर कनेक्ट करना होता है इनपुट पावर सप्लाई का,
ब्लू वायर नेगेटिव या जीरो वोल्ट होता है और जो ब्लैक वायर होता है यह सेंसर का आउटपुट होता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो रेड वायर है इनपुट पावर सप्लाई का, इसे टाइमर की कॉइल A3 में कनेक्ट कर देना है। देखिए A3 से इसे 24 वोल्ट DC मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो सेंसर का नेगेटिव ब्लू वायर है इसे आप या तो SMPS से डायरेक्ट नेगेटिव दे सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर टाइमर में भी हमने नेगेटिव कनेक्ट किया है तो यहाँ से एक कनेक्टर लिया है और इसे सेंसर के नेगेटिव में अभी हमने कनेक्ट कर दिया है। देखिए सेंसर के इनपुट पावर सप्लाई का कनेक्शन हो चुका है। अभी सेंसर का जो आउटपुट है जो ब्लैक वायर है, जब सेंसर ऑपरेट होगा तो जो इनपुट पावर सप्लाई का आउटपुट है वह हमें ब्लैक वायर में मिलेगा। तो ब्लैक वायर को हमें ट्रिगर जो TR पॉइंट है वहां पर कनेक्ट कर देना है। जैसे ही सेंसर ऑपरेट होगा तो उसका आउटपुट यहाँ पर TR पे आएगा और हमारा टाइमर वहां पर स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए हमारा कनेक्शन हो चुका है, अभी हम इनपुट पावर सप्लाई को ऑन कर लेते हैं, सेलेक्टर को भी ऑन कर लेते हैं। देखिए सप्लाई आ चुकी है बट टाइमर का टाइमिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही सेंसर को ऑपरेट किया टाइमर का टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है। देखिए और हमारा लोड टाइमिंग के अकॉर्डिंग कंट्रोल हो रहा है। देखिए फिर से एक बार, जैसे ही सेंसर को ऑपरेट किया जाएगा सेंसर से हमारे टाइमर को ट्रिगर मिल रहा है और हमारा जो टाइमर है वो सेंसर से कंट्रोल हो रहा है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह से ट्रिगरिंग टाइमर का कनेक्शन किया जाता है। आपके पास किसी भी कंपनी का ट्रिगरिंग टाइमर हो सकता है तो जस्ट आपको उसके टर्मिनल को पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए फिर आप कनेक्शन कीजिए। आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह से ट्रिगरिंग टाइमर का कनेक्शन किया जाता है, किस तरह पुश बटन से कंट्रोल किया जाता है, किस तरह लिमिट स्विच से कंट्रोल किया जाता है और किस तरह से सेंसर से कंट्रोल किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फ्रेंड्स।